हाँ तो भाई लोग, आप लोगों को सबसे पहले ना जय श्री राम। और अभी ना मैं बात करने वाला हूँ भूल भुलैया जो 3 है उसकी जो फाइनली अनाउंसमेंट है, मूवी रिलीज कब होगी, लीड रोल में कौन होगा, कौन सपोर्टिंग रोल में होगा, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन डायरेक्ट, मतलब कौन डायरेक्ट करेगा मूवी को, कौन प्रोड्यूस करेगा, उसके बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना, उसके बाद में ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अनीस बाजमी ने 2022 में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था भूल भुलैया 2। उसमें हमको कायरा आडवाणी, कार्तिक आर्यन और तब्बू देखने को मिले थे। जहाँ पर मूवी की स्टोरी लाइन थोड़ी सस्पेंस और थ्रिल वाली थी, वहीं पर अब जो हम देखेंगे 2024 के एंड में एक मूवी आने वाली जिसका नाम है भूल भुलैया 3, जिसमें कि अनाउंसमेंट ये हुआ था 2023 में कि भैया जो कार्तिक आर्यन है उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा भूल भुलैया 3 से। भूल भुलैया 3 के अंदर भी कार्तिक आर्यन ही हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, या फिर अभी मैं बोलूँ तो मैंने एक सुबह ही वीडियो डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो तब्बू है जिसने मंजोलिका का रोल किया था, फिर जो मतलब एक अलग जो रोल किया था जो कि काफ़ी अच्छा था, उन्होंने जो वो करेक्टर्स को प्ले किया, उसके बाद उन्होंने अपना जो हाथ है उसको पीछे खींच लिया। उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरे को भूल भुलैया 3 में काम नहीं करना है क्योंकि मैं हर बार एक जैसा करेक्टर प्ले नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने मना कर दिया भूल भुलैया 3 के लिए। अगर मैं वहाँ पर प्रोड्यूसर की बात करूँ तो ऑफकोर्स भूषण कुमार ही इस मूवी को, यानी कि टी सीरीज जो है वो इस मूवी को ना प्रोड्यूस करने वाली है। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली अनीस बाजमी, जो कि पहले भूल भुलैया 2 को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। अगर यहाँ पर बात करें अनीस बाजमी की, एक और प्लानिंग चल रही है मूवी जो कि मतलब चाहते हैं वरुण धवन के साथ काम करना उस मूवी के लिए। और मूवी जो है वो कॉमेडी, थोड़ी कॉमेडी होगी, वो कॉमेडी फनी वे में वो मूवी जाएगी। और मूवी 2000 के फर्स्ट हाफ तक या फिर सेकंड हाफ तक आपको सिनेमा घरों में या OTT पर जहाँ भी उनका एक होगा तब वो उस हिसाब से तय करेंगे। तब जो कोई अपडेट निकल के आता है उस टाइम पर उसके बारे में बात करेंगे। अभी वो वरुण धवन के साथ भी प्लानिंग कर रहे हैं एक मूवी बनाने की। वहीं पर अगर बात करें तो भैया जो भूल भुलैया 3 मूवी है उसकी जो रिलीजिंग डेट है, या फिर रिलीजिंग डेट का जो प्लानिंग इन्होंने की है, फिर जो अनाउंसमेंट वगैरह आप कह बह सकते हो, तो वो इन्होंने दिवाली 2024 रखा है। अब दीपावली 2024 पे भूल भुलैया 3 को ना आउट करने वाले हैं। अब कितना आउट करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब आने वाली कुछ वीडियोज़ में ना अपन लोग बात करेंगे उसके ऊपर खुल के, कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी जो मेन लीड में जो हीरोइन है उसका जो अभी तक है वो फाइनल कुछ मेरे को आउटपुट जो है वो मेरे को ज़्यादा न्यूज़ वगैरह उसकी मिली नहीं है। वहीं पर जो लीड रोल है तब्बू, तब्बू की जगह वो जो करेक्टर है वो कौन प्ले करने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे अगली वाली वीडियो में। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मतलब निकल के नहीं आया कि तब्बू की जगह उसको रिप्लेस कर लिया गया है। अभी बस यही है कि तब्बू ने जो है मना कर दिया है इस मूवी को करने के लिए। अगर वहीं पर मैं बात करूं, अगर आप मतलब ऐसा कुछ सोचते हो या फिर आपके भी कुछ माइंड में चल रहा होगा कि अगर तब्बू को रिप्लेस किया जाए तो किसके साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, आप कमेंट करके पर्सनली बता सकते हो। मतलब जो भी आपकी थॉट है कमेंट में। अभी तक जय श्री राम नहीं लिखा है तो सबसे पहले जय श्री राम लिख के जरूर जाना, वीडियो को ना लाइक कर देना। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।